अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मिस रोज के लिक्विड कंसीलर का रिव्यू शेयर करूंगी। इसके शेड्स भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कंसीलर को हम क्यों फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। और अगर आपको इसका रिव्यू पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे पास मिस रोज का लिक्विड कंसीलर है और 5 ml इसमें प्रोडक्ट है और ऑयल फ्री है ये, तो ऑयली स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है। और ये हमारी फुल कवरेज बेस बनाता है, हमारी बेस को क्रीज नहीं होने देता। ये एक चाइना का ब्रांड है और इसमें 6 शेड अवेलेबल हैं और इसमें 4 शेड जो है वो बेज के हैं, एक फेयर स्किन टोन के लिए और एक ये शेड जो मेरे पास है Ivory 6, ये शेड है। तो हम जो कंसीलर है इसको इसलिए यूज करते हैं कि जब हम अपनी बेस को अप्लाई करते हैं तो हमारे हाईलाइटेड एरियाज जो हैं वो फीचर जो हैं हमारे दब जाते हैं। तो हम अपने अंडर आई को और अराउंड द लिप्स को और फोरहेड पे इसको अप्लाई करते हैं टी जोन पे, ताकि हमारे वो एरियाज हाईलाइट हो जाए। तो इसलिए हम कंसीलर को अप्लाई करते हैं। और इसमें Ivory 6 मेरा कलर है और ये Ivory 6 ऐसा कलर है जो कि मीडियम टू फेयर स्किन के लिए बहुत बेस्ट रहता है, एशियन स्किन टोन के लिए बहुत बेस्ट है। और हमने जो कंसीलर जब बाय करना होता है तो हमने अपनी बेस से एक टोन लाइटर बाय करना होता है। जैसे अगर हमारा मिस रोज की बेस में बेज 2 कलर है फाउंडेशन का, तो हमने बेज 1 कंसीलर बाय करना होता है। तो इस तरीके से हमारी जो बेस है वो हाईलाइट बनती है और हमारी बेस जो है फुल कवरेज बनती है और हमारे अंडर आई और हाइलाइटेड एरिया जो है वो क्रीज नहीं होते। तो अगर आपने एक प्रोफेशनल जो है वो बेस बनानी है तो फिर हमें कंसीलर को जरूर यूज करना पड़ता है। और पार्टी बेस के लिए और ब्राइडल बेस के लिए प्रोफेशनल्स जो है वो इसको जरूर यूज करते हैं कंसीलर को। तो ये बहुत अफोर्डेबल सा कंसीलर है मिस रोज का और 200 का इजीली आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी। और इसकी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिले, तो मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। Ivory 6 इसमें मेरा कलर्स है और इसमें बहुत से कलर हैं, 6 कलर हैं। आप अपनी स्किन टोन के लिहाज से एक टोन लाइटर अपनी बेस से इसको बाय करेंगे और इसको आपने अंडर आई वगैरह पर आप जो है ये अप्लाई करेंगे। और इसको अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो इस तरह इसका एक एप्लीकेटर है, इस ब्रश से है, इससे आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर आई, और इस तरह आप इसको अप्लाई करेंगे। ये थिक सा होता है और हमारी बेस को जो है ये लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, क्रीज नहीं होने देता। और ये इसका कलर है और ये मीडियम टू फेयर स्किन के लिए बहुत बेस्ट Ivory 6 कलर है। इस तरह आपने फिंगर से ब्लेंड कर देना है, इसको रगड़ना नहीं होता, बस अंडर आई और अराउंड द लिप्स आपने हाईलाइट करने के बाद इसको हाईलाइट करने के लिए इसको यूज करना होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको आपने एप्लीकेटर से अप्लाई किया और आपने ब्रश ले लेना है छोटा सा, जिससे अंडर आई आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकें। और ब्रश से ये आसानी होती है कि हमारी जो हमारी प्रोडक्ट है वो ज़ाया नहीं होती। और इसके बाद तीसरा तरीका ये होता है कि आप अगर ब्यूटी ब्लेंडर से इजी है बाय इसको अप्लाई करने में, तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं आप इसको अपनी बेस को हाईलाइट करने के लिए इसको जो है वो यूज़ कर सकती हैं। और इस तरह की आपको ये फुल कवरेज से बेस बना देगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपसे इससे एक फुल कवरेज बेस बनाने का तरीका भी शेयर करूंगी कि सिर्फ एक कंसीलर की मदद से किस तरह आप अपनी फुल कवरेज बेस बना सकते हैं। या आपकी बेस अगर कोई फुल कवरेज नहीं है तो आप उसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे तो आपकी समर की लॉन्ग लास्टिंग बेस बन जाएगी। तो आप नेक्स्ट वीडियोज़ को मेरे जरूर देखें और ये देखें ये इस तरह की कवरेज आपको देगा और 4 to 6 आवर ये स्टे रहता है हमारे फेस पे और एक लॉन्ग लास्टिंग से बेस बनाता है। तो अगर आपको एक मीडियम कवरेज का जो है कंसीलर बाय करना है जो कि आपके दानों के निशानात को, हल्के फुल्के निशानात को भी हाइड कर दे और आपके हाईलाइटेड एरियाज को भी हाईलाइट कर दे, मल्टीपर्पज हो, तो आप इसको जरूर बाय करें। 200 में आपको इजीली लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आप इसको बाय कर सकती हैं। तो बहुत अच्छी आपको ये लुक देगा और एक प्रोफेशनल अगर आपने बेस बनानी है तो आप इसको जरूर अपनी जो है वो बेस में अप्लाई करें। और आपने अपनी स्किन टोन से एक टोन लाइटर लेना है और इसमें 6 शेड है, आप अपने स्किन टोन के लिहाज से कोई भी कलर इसमें बाय कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस को भी देखना ना भूलें, जिसमें मैं आपको इससे एक फुल कवरेज बेस बनाना भी बताऊंगी, इसके हैक्स शेयर करूंगी। तो आप इसको इस तरह के छोटे ब्लेंडर्स लेके उससे भी इसको अप्लाई कर सकती हैं अंडर आई वगैरह पे और इस तरह के ब्रश से भी और फिंगर से भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।